ये तांबे की पानी की बोतल है, पीने की बोतल है। इसके अंदर पानी पीते थे तो काफ़ी दिन से ये ऐसे ही रखी हुई है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है इस तरीके से देखो अंदर कितना काला काला सा ये हो गया है, गंदा हो गया है बहुत ज़्यादा। और इस तरह की बोतल में पानी जो है नहीं पीना चाहिए। और यहाँ पर भी ये चूड़ी है, यहाँ पर ये चूँ चूँ करके ऐसे बंद करते हुए आवाज़ करने लग जाती है, ऐसे ऐसे पता लग जाता है कि ये सही नहीं है। इस वक्त इसे सफाई की ज़रूरत है, अंदर से दिखता रहता है। वैसे तो करते रहना चाहिए सफाई जो है, लेकिन मैंने जो है इसको ऐसे छोड़ दिया था क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था। वैसे भी ये चीज़ें जल्दी जल्दी गंदी हो जाती हैं तो हमें इसको साफ़ करना है। अब हम सोच रहे हैं किस चीज़ से साफ़ करें, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जिनसे ये साफ़ हो जाती है, तो सोच रहे हैं किस चीज़ से करें। तो मैंने सबसे पहले जो है इसको विनेगर से साफ़ करने का सोचा है, फिर देखते हैं उससे साफ़ होता है नहीं होता है। विनेगर को मैं पहली बार ही यूज़ करूँगी। तो ये मैंने विनेगर लिया है बोतल, और इसके साथ हम मिक्स करेंगे नमक। खाली विनेगर को हम इस पे पेस्ट करके मतलब किस तरीके से लगाएंगे बह जाएगा ना, तो इसलिए हमें इसके साथ कुछ चाहिएगा। तो हम पहले इसको खोल लेते हैं, पूरा नया का नया है। और ये हमने लिया है नमक, नमक है इसके अंदर डाल लेंगे। तो मैंने पहन लिया है ग्लव्स, क्योंकि मेरी ना उंगली कटी हुई है यहाँ से और उसमें ही बहुत तेज लगेगा, इस वजह से मैंने जो है ग्लव्स पहन लिया। चलो करके दिखाते हैं आपको, देखते हैं, मैं भी देखती हूँ कैसे होगा, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम कर रही हूँ इसको, क्या रिएक्शन आता है इसका, देखते हैं वर्क करेगा नहीं करेगा, कैसे करेगा। हट तो रहा है इससे, हाँ हो तो रहा है भाई, देखो जहाँ जहाँ भी गिरा है वहीं पे हो रहा है। चलो करते हैं, पूरी बोतल पे डाल दूंगी मैं एक बार में, फिर बस रब करूंगी इसको। ये देखो हो रहा है, हट गए सारे, देखो ये दिख रहा है हाथ पे आ गया ना पूरा। थोड़ी देर छोड़ देती हूँ ऐसे, अभी कर लेते हैं, दो मिनट ही रखा होगा मुश्किल से, पता नहीं दो मिनट भी हुए नहीं हुए। और ये देखो किस तरीके से हट रहा है सारा, ये देखो आपके सामने सारा लाइव जा रहा है, सारा आपके सामने ही कर रही हूँ। देखो साफ, कुछ भी इसमें अलग से नहीं लिया है, कुछ भी विनेगर है और नमक है, इसी से हो रहा है सारा साफ। हो गई साफ,
ये देखो कितना काला काला निकल रहा है। ये मंदिर के लोटा है, प्लेट है, इसका ढक्कन है। ये भी देखो कैसे हो रखे हैं, इनको भी कर लेते हैं साफ। अब ये जो था, ये था विनेगर और थोड़ा सा सरफ चुटकी भर। तो इससे तो देखो ये हुआ नहीं है, हल्का हल्का सा हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। अब मैं इसमें दूसरी ट्रिक लगाती हूँ, ठीक है। अब मैं दूसरे ट्रिक से करती हूँ इसको साफ। तो ये है मेरे पास घिसा हुआ दिया, दिए का पाउडर है ये। दिए को मैंने घिसा था तो ये बच गया था। मैंने पहला वीडियो भी बनाया है, उसके अंदर मैंने ये यूज़ किया था, तो ये बचा हुआ है, उसी को मैं जो है यूज़ करूँगी इसके ऊपर लगा के। इसमें हल्का सा सरफ डालेंगे या नमक डालेंगे, कुछ भी डाल लो, और उससे जो इसको साफ़ करेंगे फिर रगड़ के। सरफ डाल लिया इसके अंदर, और अब मैं सोच रही हूँ इसमें थोड़ा सा विनेगर भी डाल लूँ। ये इसका पेस्ट बन गया। इसे अब हम इस पे लगाएंगे। पहले थोड़ा सा लगा लेते हैं, फिर उसके बाद में रबिंग करेंगे। जैसे इसको रब करना शुरू करेंगे, इसमें से जो गंद जो हटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये दिए का वो जो है एकदम रेत वाला वो बन जाता है इसका फोम पाउडर जैसा, और वो गंदगी को हटाने में मदद करता है। जब किसी चीज़ पे सरफेस पे उसको रगड़ेंगे लगातार ऐसे, तो वो उस गंदगी को हटा लेगा अपने साथ। इस तरीके से ये मेरी प्लेट थोड़ी टूटी टूटी हो रही है, इससे मुझे चोट भी लग सकती है। अब इसको कर लेते हैं। ये हट रहा है देखो। रगड़ रगड़ के साफ कर लो, सब कुछ लगा लो, कुछ भी चीज़ें उसके अंदर यूज़ करो आप सफाई करने के लिए, लेकिन उसके बाद में इनको गर्म पानी से ज़रूर धोओ, बाद में सरफ वगैरह से, विम बार से, और उसके बाद में इनको कपड़े से पोंछ लें, ताकि इनकी चमक जो है ऐसी रहे। इनके ऊपर दाग धब्बे पड़ जाते हैं पानी के भी, तांबे पर, पीतल पर, या किसी भी बर्तन पर पड़ ही जाते हैं अगर पानी साफ नहीं करोगे। एकदम चमक गई, बिल्कुल पुरानी है ना काफ़ी, फिर भी देखो चमक गई है। इन सबको ना पोंछ लेंगे अच्छे से, पानी वगैरह इनके ऊपर नहीं रहने देंगे, वरना निशान पड़ जाएंगे फिर से काले काले। पोंछ लो,
और धूप है तो धूप में रख दो, अच्छे से चमकेंगे। कॉटन के कपड़े से पोंछोगे बिल्कुल भी एकदम शाइनिंग आ जाएगी, बिल्कुल भी किसी तरह की इसमें से वो नहीं होगी, सिंथेटिक जो होगा वो सूखेगा नहीं, शाइनिंग नहीं आएगी। कॉटन के से तो शाइनिंग बढ़ जाएगी और ज़्यादा।